हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भुजिया। आइए दिखाते हैं क्या-क्या सामग्री है। दोस्तों, हमने 300 ग्राम आलू लिए हैं और एक कटोरी बेसन है, ये चाट मसाला है, ये जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये नमक है, ये हल्दी पाउडर है, हम एक चुटकी हींग लेंगे। दोस्तों, हम आलू पहले बॉईल किए हैं, अभी इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, वैसे भी मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, आलू हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसमें सामग्री डालेंगे। हमने छोटा चम्मच आधा हींग लिए हैं और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिए हैं, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और दो चम्मच चाट मसाला डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार दो चम्मच, अभी हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमारा सब सामग्री मिक्स हो गया, अब हम इसको बनाएंगे। दोस्तों, इसमें ऐसे तेल लगाना है, नहीं तो चिपकेगा। आपको जो प्लेट्स पसंद है, मोटा या पतला, वो लगा सकते हैं आप। प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि अच्छा से निकले। अभी आपको ऐसे इसको भरना है। थोड़ा सा हम ऊपर से भी तेल लगा देते हैं। अभी हम ऐसे इसको बंद करेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं अपना तेल गरम है कि नहीं। तेल गरम है दोस्तों। अब ऐसे इसके मशीन से ऐसे हम बना लेते हैं आलू भुजिया, आलू बेसन का भुजिया है। दोस्तों, हमारा आलू भुजिया ब्राउन हो गया, हम ऐसे बाकी का फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा मूंगफली फ्राई कर लेते हैं भुजिया में डालने के लिए। कड़ी पत्ता अभी डालेंगे। दोस्तों, हमारा आलू भुजिया बनके रेडी है। दोस्तों, आप इसको सफर में भी लेके जा सकते हैं, ट्रेन में भी लेके जा सकते हैं। इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। दोस्तों, अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो
हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।